207वां सर्ग पूर्व सर्ग में राजा प्रज्ञप्ति द्वारा किए गए प्रश्नों के कतिपय प्रश्नों का क्रम तथा व्युक्ति क्रम से श्री वशिष्ठ जी द्वारा समाधान। एक विज्ञान से ही सर्व विज्ञान होता है, अतः सकल संदेहों का मूलोच्छेद द्वारा परिहार होने के कारण हमें सामान्य रूप से सब प्रश्नों का समाधान करूंगा। तो जो श्री वशिष्ठ जी प्रतिज्ञा करते हैं, राजन, जिस प्रकार मैं हथेली में रखे आंवले की तरह स्पष्ट रूप से आत्मतत्व का प्रतिपादन करता हूँ, उसे तुम सुनो, जिससे तुम्हारे सकल संदेह संपूर्णता पूर्णतः से निर्मूल हो जाएंगे। सर्वप्रथम स्वयं प्रमाण स्व संवेदन का अनुसरण करने वाले पुरुषों को पदार्थों के तत्व की व्यवस्था करने में कहीं भी किसी भी संदेह की उत्पत्ति नहीं होती है। ऐसा कहते हैं, सभी जगत के पदार्थ सदा ही असद्रूप है और सदा ही ये असद्रूप है, सदा ही असद्रूप है और सदा ही ये सद्रूप है, क्योंकि इनकी स्थिति संवेदन के अनुसार है। जहाँ पर जिसके अस्तित्व की प्रतीति होती है, जहाँ पर जिसके नास्तित्व की प्रतीति होती है, वहाँ दोनों ही स्थलों में भगवती संवित द्वारा भी संवित द्वारा ही उसके अस्तित्व और नास्तित्व रूप का समर्थन किया जाता है। यह भाव है जिस विषय में ये पदार्थ है, नीला है, पीला है, गढ़ा है, वस्त्र है अथवा नहीं है, इस प्रकार का ही है। इस प्रकार के अवधारण से निश्चय से संवित से व्याप्त है उस विषय का वह रूप अवश्य होता ही है। वह सत हो अथवा असत हो, इस विषय में आग्रह नहीं है, संवित का ऐसा स्वभाव ही है। उक्त संवित द्वारा आत्मरूप में शरीर की पहले भावना की जाती है और संवित की देह धर्मता यो विपरीतता का अध्यास किया जाता है। उस देह से उस संवित की अभिव्यक्ति होती है, यानी देह की आत्मता। इस प्रकार नरक और स्वर्ग के भोग के लिए देह के उत्पादक माता पिता आदि से शून्य प्रदेश में देह के प्रति कौन उपादान कारण है और कौन निमित्त आदि कारण है, प्रज्ञप्ति के इस प्रश्न का समाधान किया गया। इसलिए लोग स्वप्न और जागृत में देह का चैतन्यता के आत्मा के रूप में ही अनुभव करते हैं। अन्य यानी संवित को चैतन्यता का देह का धर्म जानने देह का धर्म जानते हैं, वह स्वयं चेतयित्री है ऐसा नहीं जानते हैं। इसलिए कोई यानी भ्रांति रूप संवित ही शरीरता है, उससे अन्य शरीरता नहीं है, आदि के प्रश्न तीन प्रश्नों का भी इसी तरह समाधान करना चाहिए, क्योंकि जगत की सिद्धि संवेदन के बल पर ही हुई है। इस आशय से कहते हैं, सृष्टि के आरंभ में समस्त कारणों का अभाव था, अतः एवं आवश्यक आश्रय लेने योग्य स्वप्न दृष्टा संविदात्मा ही यो जगत के रूप में भासता है। ऐसी अवस्था में जगत में स्वप्न वेदम्य रूप अन्यता कौन है, यानी कोई नहीं है था, अथवा जगत स्वप्न सदस्य ही है। इस प्रकार जो ही ब्रह्म नामक निर्मल संवेदन है, वही जगत के रूप में भासता है, इसलिए जगत में ब्रह्म भिन्नता कैसी। इस प्रकार सदा एक रस कभी विकृत न होने वाले ब्रह्म की जगत रूप से स्थिति होने के कारण जगत ब्रह्म ही है। विद्वान वेद और आत्मशास्त्र रूप प्रमाणों से ऐसा ही हमने अनुभव किया है, वही यहाँ पर कहा है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं कहा है। जगत नित्य संवेद मात्र ही है, ये बात सब प्राणियों की बुद्धि में बद्ध मूल है, दृढ़ अनुभव से सिद्ध है। नित्य संविदात्मा ही सत्ता रूप से सर्वत्र पूर्ण है, तथा महात्माओं ने अनेक बार ये कहा है, फिर भी जगत की नित्य संविदता का अपलाप करके अंधकूप के मेढक जैसे जो मूढ़ पुरुष आपातत वर्तमान नाम और रूप के अनुभव को ही प्रमाण मानकर संविद और नित्य नहीं है, किंतु उसका कारण शरीर ही है, वह जड़ोपादान तथा जड़ात्मा के गुण है, यो मोह को प्राप्त हुए हैं, वे नयायिक चारवाक आदि अज्ञ उन्मति है, वे हम लोगों की ज्ञान चर्चा में भाग लेने के योग्य नहीं है। भले चंगे मस्तक वाले पुरुषों तथा पागलों का एवं मूढ़ तथा प्रबुद्धों का परस्पर संवाद कैसा, किसी भी प्रकार उसका संभव नहीं है। जिस विद्वान के कथोपदेश
कथोपकदेस्थन से सकल संदेहों का निवारण विनाश न हो, उसे इस लोक में क्या, अन्य लोक में क्या, यानी तीनों लोकों में मूर्ख कथा ही समझना चाहिए। जो मूढ़ बुद्धि वाला चारवाक ये प्रपंच एकमात्र प्रत्यक्ष प्रमाण वाला ही है, प्रत्यक्षाति रिक्त अन्य प्रमाण वाला नहीं है, इसलिए श्रुति आदि से सिद्ध जगत का ग्रहण नहीं करना चाहिए, ऐसा कहता है। वह उस युक्तिविहीन सर्वविरुद्ध तथा अभिज्ञ जनों का कर्णकटो होने से पत्थर के समान कठोर अपने वचन से ही सकल विद्वानों द्वारा अज्ञानी तथा अंधे कुप्पा मेढक कहा गया है, क्योंकि वह पूर्वापर विचार बुद्धि को ताक में रखकर केवल वर्तमान मात्र गोचर प्रत्यक्ष प्रमाण में ही अपनी बुद्धि से पशु के सदस्य स्थित है। चार्वाक आदि की युक्ति से संदेह हो कि अब कदापि निवृत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि अनुमान आदि प्रमाणों का अंगीकार न करने के कारण उसकी युक्ति उक्त युक्ति शून्य है। वेद आदि तो गुरुमुख से पूछे जाने पर सकल संदेहों की निवृत्ति द्वारा परम पुरुषार्थ के प्रदान में समर्थ है, कारण कि वे अपने अनुभव से पूर्ण इस मेरे द्वारा कही हुई दृष्टि का प्रतिपादन करते हैं, ऐसा कहते हैं। वेद तथा तत्वज्ञानी जन जब पूछे जाते हैं तब अपने अनुभव से परिपूर्ण इस मेरे द्वारा कही गई दृष्टि का ऐसे प्रतिपादन करते हैं जैसे कि ये सब संशय नष्ट हो जाते हैं। यदि प्रत्यगात्म संवेद ही वेद देहादि जगत है, तो सब मतलब मृत्यु शरीर मृत शरीर भी संवेद होने से क्यों नहीं चेतता यानी चैतन्य प्राप्त करता है, क्यों नहीं चैतन्य प्राप्त करता है। ऐसी जिसकी शंका है उस मूढ़ श्रोता के लिए यहाँ पर कहा जाता है, तुम सुनो, जैसे तुम्हारा स्वप्न नगर विस्तृत होता है, वैसे ही हिरण्यगर्भ के वेश धारण किए हुए पर ब्रह्म का स्वप्न नगर ये जगत भान विस्तृत है। यद्यपि ये संपूर्ण जगत भान वास्तव में निरंतर चिन्मात्र स्वरूप ही है, तथापि इसमें जैसे तुम्हें अपने स्वप्न नगर में चेतन भ्रांति होती नहीं होती, वैसे ही सवादी जड़ में भी नहीं होती है, ये जानना चाहिए। अपने स्वप्न में दसों दिशाएं विविध पर्वत पृथ्वी आदि नगर आदि सब कुछ चिन्मय आकाश ही है, ये विचार करने पर तुम्हारे अनुभव से है सिद्ध है, वैसे ही जगत में भी चिन्मयता की संभावना करनी चाहिए, ऐसा कहते हैं। ब्रह्म संविदा काशमयी है, उसका संकल्प नगर विराट है, ब्रह्मा भी एकमात्र संवितमयी है, वैसा ही उसका बनाया हुआ यह जगत भी शुद्ध संवितमयी ही कहा जाता है। जैसे तुम्हारे संकल्प नगर में जिस पदार्थ का जैसा संकल्प किया जाता है वैसे ही तुम्हें उसका अनुभव होता है, वैसे ही ब्रह्मा के संकल्प नगर रूप इस जगत में चित्त द्वारा जिस जिसका जैसा संकल्प किया जाता है उस उसका वैसा अनुभव होता है। जैसे तुम्हारे संकल्प नगर में जिस जिस पदार्थ का जैसे संकल्प किया जाता है उस समय उस वह वैसा रहता है रहता ही है, वैसे ही इस संकल्प नगर में जिस जिसका जैसे संकल्प किया जाता है वह उस समय वैसा रहता ही है। इसलिए जैसे जीवित देह की चेष्टा होती है मृत शरीर की चेष्टा नहीं होती, यो नियत इन स्पंदन मतलब चेष्टा और अस्पंदन मतलब चेष्टा का अभाव दोनों ही हिरण्यगर्भ चित्त ने ही कल्पना की है, वैसे ही उनसे उसका स्वयं अनुभव किया, इसलिए सब में चेतना की अभिव्यक्तन चेष्टा की प्राप्ति नहीं होती है। निद्रव्य कुरुते द्रव्य युक्ति, इस प्रश्न का समाधान करने के लिए उसके अभिप्राय को विशद करते हैं। महाप्रलय के अंत में पुनः सृष्टि चलती है, लेकिन समस्त कारणों का अभाव होने से वह सृष्टि द्रव्य तो है ही नहीं। यदि कहिए पूर्व कल्प के प्रजापति से निर्मित द्रव्यों का इस आधुनिक सृष्टि में उपयोग होगा, अतः वह निर्द्रव्य कैसे, ये कथन भी ठीक नहीं, क्योंकि पूर्व कल्प के प्रलय से पहले ही पूर्व कल्प का प्रजापति मुक्त हो चुका, इस कारण उसके द्वारा निर्मित जगत का पूर्ण रूप से प्रलय होने के कारण पूर्व जगत के प्रकार की स्मृति आदि निमित्त कारण नहीं है, यह तुम्हारा आश्रय है। लेकिन तुम्हारा यह आश्रय
हमारे सिद्धांत के अनुकूल ही है, क्योंकि स्वयं ज्योति ब्रह्म ही जगत के रूप में भासता है। इसलिए ब्रह्मा का पहले हिरण्यगर्भ के रूप में स्फुरण हुआ, उसके बाद आकाश रूप उसने स्वयं ही आकाश रूप संकल्प नगर को जगत जाना। जैसे केवल चिन्मात्र रूप संकल्प नगर का भान होता है, वैसे ही निष्कारण चिन्मात्र उन्मेष जगत के रूप में भासता है। इससे माता पिता तो इस प्रश्न का समाधान हो गया। ऐसा कहते हैं, शरीर हो चाहे मत हो, जहाँ जहाँ चिदाकाश है वहाँ वहाँ वह द्वैताद्वैतमयी जगत रूप आत्मा को जानता है। मरण के पश्चात जगत के रूप में भी यही न्याय जानना चाहिए। ऐसा कहते हैं, जैसे चिदाकाश स्वप्न नगर को देखता है, जैसे स्वप्न पूर्व को देखता है, वैसे ही मरने के बाद जगत को देखता है। जैसे स्वर्ग के आदि किसे अपृथ्वीमयी ये जगत पृथ्वी आदिमयी सा भासता है, वैसे ही इस मृत पुरुष का भी संपूर्ण जगत अपृथ्वी आदिमयी होता हुआ भी पृथ्वी आदिमयी भासता है। जैसे तत्वज्ञानी के अथवा स्वप्न से जागे हुए पुरुष के स्वप्न के देश और काल जागृत सृष्टि से तनिक भी व्याप्त नहीं रहते, संबंध नहीं रहते, वैसे ही परलोक प्राप्त पुरुष के भी ऐहिक देश काल वहाँ परलोक में व्याप्त नहीं होते। इसी तरह तत्वज्ञानी के विषय में जगत भी नहीं व्याप्त होता है। ऐसा कहते हैं, स्पष्ट रूप से अपने द्वारा अनुभूत भी ये जगत प्रबुद्ध के तत्वज्ञानी के विषय में भी वैसे ही कुछ नहीं है, जैसे जैसे कि आकाश के विषय में कारण कुछ नहीं है। जैसे अप्रबुद्ध पुरुष को असत ही ये जगत देदीप्यमान मालूम होता है, वैसे ही परलोकगत पुरुष को चिदाकाश ही सर्वगत प्रतीत होता है। परलोकगत पुरुष को अभूतपूर्व चिदाकाश ही धूलोक पृथ्वी यम आदि से युक्त पूर्व सिद्ध सा व्याप्त प्रतीति होता है। यहाँ में मरा फिर नारकीय जीव के रूप में उत्पन्न हुआ, यमलोक में आया और वहाँ पर शुभ अशुभ कर्मों फलों को भोगता हूँ। जो मृत पुरुष अति निम्बंड भ्रांति को देखता है, उक्त भ्रांति मोक्ष के उपायभूत आध्यात्म शास्त्रों के परिशीलन आदि से ही पूर्ण रूप से नष्ट होती है, उसके विनाश का दूसरा मार्ग नहीं है। ऐसा कहते हैं, मोक्ष के उपायभूत श्रवण मनन निदिध्यासन आदि का अनादर करने वाले पुरुषों का यह मोह अज्ञान कदापि शांत नहीं होता है। बोध होने से वासना के मिट जाने पर यह मोह नष्ट हो जाता है। इससे धर्म और अधर्म ही जगत के आकार में परिणित होते हैं। ये आस्तिक लोगों का पक्ष भी अनुग्रहित हुआ। ये आश्रय से कहते हैं, अप्रबुद्ध पुरुष की जो संविद है वह धर्म अधर्म वासना है, जो आकाश में ही आकाश रूप भासती है वही ये जगत के रूप में स्थित है। जगत का स्वरूप स्वतः शून्य रूप भी नहीं है और सत्व स्वरूप भी नहीं है, किंतु ब्रह्म नाम का चैतन्य ही जगत स्वरूप है और जगत अज्ञान के कारण ही अनर्थभूत है। तत्वज्ञानी पुरुष के लिए तो परम कल्याण निरतिशय आनंद रूपी है। 207वां सर्ग समाप्त। 208वां सर्ग। जैसे प्रजा दूर देश में स्थित प्रयत्नों से अन्यत्र बध बंधन आदि फल पाती है, वैसे ही ब्रह्मा की इच्छा का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, प्रजाओं को अमूर्त दूर स्थित अतः एवं संबंध रहित राजा की आज्ञा आदि से अपने ही घर में जैसे शुभाशुभ फल निग्रहानुग्रह रूप प्राप्त होता है, उसको सुनो। मैं कहता हूँ, चूंकि ब्रह्म ही अज्ञानवश दृश्य बोध से दृश्य के रूप में प्रतीत होता है और ब्रह्म ज्ञान से ब्रह्म ही है, इसलिए यह जगत ब्रह्म संकल्प नगर रूप से स्थित है। संकल्प नगर में जिस वस्तु का आज इस समय जैसा संकल्प किया जाता है, वह वस्तु उस समय वैसे ही अनुभूत होती है। जैसे तुम्हारे संकल्पमय घर में जो ये प्रजा है वह तुम्हारे संकल्प के अनुसार बनी, वैसे ही ब्रह्म के संकल्प से संपन्न जगत में भी ये प्रजा पूर्ण रूप से ब्रह्म संकल्प के अनुसार ही होती है। अपने संकल्प नगर में ये सब जिस प्रकार का तुम्हारा स्थित है, तुम अपने संकल्प नगर में जिसका जैसा संकल्प करते हो उसको वैसा ही देखते हो, लेकिन जो जगत में हमारे संकल्प नगर की विलक्षणता का अनुभव होता है उसे वश
वरसाप संकल्प के लिए के तुम समझना चाहिए, ऐसा कहते हैं। वरसाप संकल्प के तुल्य समझना चाहिए, ऐसा कहते हैं। मुनियों की यम नियम आदि के सेवन से शुद्ध हुई संवित वर और साप से जैसे तत्तत व्यवहार क्षेम यानी निग्रह अनुग्रह समर्थ होती है, ब्रह्म संवित भी वैसी ही होती है। ये अर्थ है जो वर और साप द्वारा होता है उसे भी तपस्वियों के वर और साप सिद्ध हो, यो ब्रह्म की कल्पना से ब्रह्म संबंध ही सत्य संकल्प समझना चाहिए। प्रकृत में प्रजाजन विधि निषेध शास्त्रों द्वारा बोधित धर्म और अधर्म में से एक आस्थावश जो धर्म अथवा धर्म का फल प्राप्त करते हैं वह भी ब्रह्म के ही इस प्रकार के संकल्पवश ही होता है। इस जगत में जो जीव है उनके सृष्टि रूप अभिव्यक्ति के पूर्व उपलब्धि न होने के कारण पहले ये जगत असत था। सृष्टि के उपरांत असत्य रूप से इसकी उपाधि उपलब्धि होती है। असत जगत का कुछ काल तक सत्ता रूप से जो किंचित भान होता है वह भी ब्रह्म के सत्य संकल्प से ही होता है, ऐसा कहते हैं। राजन, ये जगत चित रूप ब्रह्म के संकल्प से ही कुछ काल के लिए सत है, अतः जो ब्रह्म के जगत रूप से उन्मेष और निमिष में है वे ही इस जगत के उदय और प्रलय है। राजा ने कहा, भगवान, यदि जगत ब्रह्म के संकल्प सत है तो पहले यानी सुषुप्ति और प्रलय काल में क्यों प्रतीत नहीं होता? पीछे यानी जागृत और सृष्टि काल में किस लिए दिखाई देता है? सदा विकार को प्राप्त हो रहा ये जगत सुस्थिर सदा स्थायी कार्य के समान सभास कैसे है, ये मुझे बताने की कृपा कीजिए। ये जगत माइक है इसलिए इसका स्वभाव ही ऐसा है। यूँ वशिष्ठ जी प्रतिज्ञ राजा के प्रश्न का उत्तर देते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, इस चिदाकाश के संकल्प नगर में स्थित जगत में इस प्रकार का स्वभाव है कि ये सृष्टि में यानी स्वप्न और जागृत में उत्पन्न होकर प्रलय सुषुप्ति और मोक्ष में आविर्भूत होता ही नहीं है और फिर क्षण भर में आविर्भूत हो जाता है। बालक के संकल्प के नगर के तुल्य तथा आकाश में स्थित को केशों के तुल्य वर्तुलाकार गोले आदि के समान ये सत असद्रुप सृष्टिया चिदात्मा में भासती है। तुम संकल्प नगर का निर्माण कर अन्य संवित से यानी उसके प्रलय संकल्प व स्वयं उसी क्षण में उसका विनाश करते हो। ये जैसे तुम्हारा अपना स्वभाव है वैसे ही चिदाकाश के संकल्प नगर में जो उन्मन जन्य निर्मल जन्य है उन्मेष तथा निमेष है वह ब्रह्म का निर्मल स्वभाव कवच स्फुरणीय है। इसलिए त्रिजगदाकाश केवल एकमात्र सविन्मयी होकर आदि अंत शून्य ब्रह्माकाश ही है। चूंकि ये स्वयं ही जगत है इस कारण वह परमेश्वर जो जो सोचता है वह करता भी है। आवरण रहित उसके संकल्प सत्य संकल्प से हजारों योजनों में बहुत से युगों से व्यवहित भी पुण्य पाप आदि कर्म परलोक आदि में समीप में विद्यमान की तरह वैसे ही स्वर्ग नरक भोग ऐश्वर्य आदि कार्य कारित होते हैं जैसे कि स्वप्न होता है। जैसे स्फुरण हो रही चमक रही मणि में अपनी दीप्ति से ही क्रांति के उन्मत्जन्य और निर्मजन्य का आविर्भाव और तिरोभाव का अनुभव होता है वैसे ही चिदाकाश रूपी मणि में जगतों के सृष्टि प्रलय रूप परिवर्तन तथा नाना कर्मों के विचित्र विविध फल भोग रूप परिवर्तन भी अनुभूत होते हैं। अथवा विधि प्रतिषेध रूप शास्त्रों को सकल बनाने वाले लोक मर्यादा ही जग ब्रह्म में बद्ध मूल है स्तुति बद्ध मूल है स्थित है अतः वह दूर स्थित कर्मों के भी फल की कल्पना करती है, ऐसा कहते हैं। विधि शास्त्र और निषेध शास्त्रों का लोक मर्यादा संरक्षण ही एकमात्र प्रयोजन है। लोक स्थिति ही है जो ब्रह्म में उगी हुई है मरकर परलोक में गए हुए पुरुष को फल देने वाली है।
वास्तव में तो आत्मा के जन्म और मरण ही नहीं होते, किंतु आत्मा स्वयं ही भ्रांतिवश जन्म और मरण की कल्पना करता है, ऐसा कहते हैं। ब्रह्म न तो कभी अस्त हो, ब्रह्म न तो कभी अस्त को प्राप्त होता है और न कभी उदित होता है। ब्रह्म चिदाकाश सदा ही आत्मा में स्थित है। जैसे दृष्टा दृश्य आदि जगत कल्पना नगर एकमात्र कल्पना ही है, वैसे ही वह स्वयं जगत सा प्रतीत होता है। उसके जन्म का भी वाणी से उपदेश व्यपदेश होता है, वास्तव में वह नहीं होता है। वैसे ही मरण भी पूर्व देह भ्रांति के स्मरण का उपसंहारी है और कुछ नहीं है। दृश्य जगत के आकाश में स्पुरण और अस्पुरण अज्ञान उपहित चित्त का स्वभाव ही है, ऐसा कहते हैं। जब चिदाकाश स्वरूप जीव स्वभावतः स्फुरण का त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित होता है, तब वह शांत मृत कहा जाता है। जैसे स्पंदन और अस्पंदन वायु के स्वभाव ही है, अन्य नहीं है, वैसे ही ये स्फुरण और अस्फुरण उस आत्मा के निर्मल और अक्षय स्वभाव ही है, अन्य नहीं है। मणि मंत्र और औषधियों के विध प्रभाव ही ब्रह्म के सत्य संकल्प वश ही होते हैं। इस बात को दृष्टांत के साथ कहते हैं। तुम्हारे कल्पना नगर के समान यहाँ जरा मृत्यु और विनाश करने वाली मणि मंत्र आदि के पृथक स्वभाव मुख्य मंत्र या विधि मंत्र या औषधि इस प्रकार के प्रभाव से युक्त हो यो ब्रह्म संकल्प से भी उदित होते हैं। इस प्रकार ब्रह्म के संकल्प रूप त्रिलोकी में सब औषधियाँ तथा सब पदार्थों के स्वभाव संकल्प वश उदित है। तो क्या प्रत्येक क्षण में प्रत्येक वस्तु की शक्ति क्रिया आदि भेदों का संकल्प करने वाली ईश्वर की कल्पना करते हो? इस प्रश्न पर नकारात्मक उत्तर देते हैं। ईश्वर प्रत्येक अपने संकल्प नगर रूप त्रि जगत में प्रत्येक क्षण में प्रत्येक वस्तु का स्वयं संकल्प करता है। ऐसी ईश्वर की कल्पना हम नहीं करते, अपितु जैसे बालक अपने खिलौनों का एक ही बार संकल्प करता है, वैसे ही ईश्वर अमुक वर्ग का पदार्थ अमुक वर्ग के कार्य को करने वाला हो, अमुक जाति के जो पदार्थ इस प्रकार उत्पन्न हो ऐसी कल्पना करता है। उससे ही बीज अंकुर आदि के क्रम से पूर्व पूर्व तृण आदि पदार्थ उत्तरोत्तर तृण आदि पदार्थों की कल्पना करता है। इस चिदघन का ये स्पष्ट स्वभाव ही है कि ये स्वयं जिसका संकल्प करता है क्षण भर में ही वह वहाँ पर वे पदार्थ अपने अपने अवयव के साथ तथा शक्ति कार्य आदि भेद और कार्य परंपराएं एक बार के संकल्प से ही सिद्ध हो जाती हैं। संकल्प कल्पित पदार्थ स्वभाववश नाना रूप से स्थित होने पर भी पूर्ण स्वभाव ब्रह्म में चिदात्मक रूप से भासते हैं। इस प्रकार स्वतः नाना आकार स्वभाव वाले होने पर भी सदरूप से एक तत्व वाले एक आकार स्थित है। उन पदार्थों में से प्रत्येक में अस्थि भांति और प्रिय रूप से ब्रह्म चिन्ह मात्रता है, क्योंकि चित्ती सर्वात्मक है। जहाँ पर जैसे रहती है वहाँ पर वैसी भासती है। इस प्रकार आदि मध्य और अंतरहित अमी अपरिमेय शक्ति वाले ब्रह्म सत असत दोनों रूप से स्थित है, क्योंकि सत्यम चानुर्तम च सत्यम भवनम। सत्य परमात्मा सत्य और असत्य हुआ ऐसी श्रुति है। वह सर्वात्मक है, अतः मनुष्य प्राणियों में तृण गुल्म पेड़ पौधे आदि में वो जहाँ पर जो वस्तु जिस स्वभाववान के रूप में प्रसिद्ध है वहाँ पर स्वयं ही तत्व स्वभाव उस स्वभाव का होकर स्थित है। यह अर्थ है। 108वां सर्ग समाप्त। 209वां सर्ग परस्पर विरुद्ध फल देने वाले कर्मों के भोगों की एक साथ प्राप्ति होने से अविरोध द्वारा सफलता का युक्ति से साधन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वांछित फल देने वाले प्रयाग आदि क्षेत्र में एक ही पुरुष के मित्र ने उसके दीर्घ जीवन की प्रार्थना कर अंतिम सांस छोड़ी और शत्रु ने उनके शीघ्र मरण की कामना कर मृत्यु का आलिंगन किया। ये दोनों ही शीघ्र जीवन और शीघ्र मरण रूप विरुद्ध कामनाएं कैसे संपन्न होगी? यहाँ जो तुमने प्रश्न किया था उसका उत्तर सुनो। राजन, ब्रह्म ने सृष्टि रूप अपने संकल्प नगर में प्रयाग आदि सब कामना प्रद क्षेत्रों तथा सब पदार्थों के फल का उस अधिकारी पुरुष के लिए संकल्प से समर्थन किया है।
जिसमें जिसमें संकल्प नगर में जिसकी अधिकार की वांछित फल सिद्धि के लिए वांछित फल देने वाले प्रयाग आदि पुष्प पुण्य तीर्थ उनमें किए गए स्नान दान तब यज्ञ आदि पुण्य तथा उन दोनों से पुण्य तीर्थ और स्नान आदि पुण्य से संस्कृत शरीर ये तीनों यदि शास्त्रानुकूल आचरण करने वाले अधिकारी के हैं तो उसके द्वारा यहाँ पर मेरे द्वारा किए गए पुण्य से मेरा अभीष्ट फल अवश्य होगा। यूँ विश्वास से अनुष्ठित प्रयाग मरण आदि से प्रार्थित फल अवश्य होता ही है। पुण्यात्म पुरुष का ऐसा हो, लेकिन जो पापी है पर श्रद्धा पूर्ण रखता है उसको प्रयाग मरण आदि से क्या फल होता है? इस प्रश्न पर कहते हैं, पापी श्रद्धालु पुरुष का प्रयाग आदि पुण्य क्षेत्र के मरण से उत्पन्न चित्ती शक्ति रूप वह पुण्य ब्रह्म हत्यादि महापाप से अंशतः अथवा पूर्णतः जैसा श्री क्षेत्र का महात्म्य हो पुरुष को अलग कर स्वयं भी शांत हो जाता है, क्योंकि धर्मेण पापम मपनुद्धि धर्म से पाप को नष्ट करता है इत्यादि श्रुति है। यदि शास्त्रों द्वारा शिक्षणीय मतलब शिक्षा प्राप्ति योग्य पुरुष में पाप की मात्रा कम हो और तीर्थ क्षेत्र में स्नान दान आदि से होने वाले धर्म अधिक मात्रा में हो तो वह उस पाप को निशेष रूप से विनष्ट कर श्रुति द्वारा प्रतिपादित फल के विषय में अंशतः असर डालता ही है, यानी उसे सिद्ध करता ही है। राजन, लेकिन जहाँ पर शास्त्र द्वारा शिक्षणीय पुरुष का पाप पुण्य क्षेत्रादि जनित धर्म के बराबर ही होता है, वहाँ पर तुल्य बल होने के कारण उस धर्म से उस पाप की निवृत्ति नहीं हो सकती। इसलिए पुण्य और पाप के भोग के लिए उसके दो शरीर और उनके चिदाभास दो भ्रांति और भ्रांति प्रतिभात्मक स्फुरित होते हैं। पापों और पुण्यों का महान फल रूप इस प्रकार का जो जो जैसे ब्रह्म संकल्प से स्फुरित होता है वह वैसे ही व्यवस्थित है, उसमें कुछ भी हेर फेर नहीं हो सकता। ब्रह्म के संकल्प से कच्चित स्फुरित है ऐसा कहा, उसमें क्या ही है? क्या वह ब्रह्म है अथवा जगत है? उसके संकल्प से कच्चित कैसे? ये प्रश्न होने पर कहते हैं, यह चिद धातु ब्रह्म कहा जाता है, वही ब्रह्मा आदि समिष्टि जीव और अहमादि व्यष्टि जीव कहलाता है। वह जैसे संकल्प करता है समष्टि व्यष्टि उपाधि में उसका संकल्प रूप जगत भी वैसे ही स्थित है। ब्रह्म के संकल्प के अनुसार ही शासन योग्य पुरुष की पुण्य क्षेत्रों में उपार्जित पुण्य के अनुसार उसके फल भोग रूप प्रतिभाव ऐसे ही स्वप्न के समान उदित होती है, जैसे कि पुण्य विपरीत पाप वाले की नरकादि प्रतिभा उत्पन्न होती है। कैसी कैसी प्रतिभा उदित होती है उसका उल्लेख पूर्ण निरूपण करते हैं। यह मैं आज अकेला ही मर गया, ये मेरे बंधु बांधव सब जीते हैं, ये सब मेरे लिए रोते हैं, मैं ये अकेला ही परलोक में पहुंच गया। इसका मरण जैसे प्रतिभा रूप है वैसे ही इसके बंधुओं का भी मरने पर सर्वत्र प्रसिद्ध रोना, सबको ले जाना, श्मशान में जाना, जलाना आदि शब्द का कुछ धातु क्षोभ वाले लोगों की सन्निपात से जिसके वायु पित्त आदि धातु शुद्ध हो गए हैं, ऐसे लोगों की तरह वैसी प्रतिभा ही है, ये समझना चाहिए। लेकिन जब पुरुष मनुष्यों के अति उत्कृष्ट पाप अथवा पुण्य होते हैं तब शुद्ध हुए अपने पाप अथवा पुण्यों से महात्मा पुरुषों द्वारा निग्रह अनुग्रह दृष्टि से देखे जाने पर दूसरे पुरुषों द्वारा लक्ष्य देखने योग्य अथवा अन्य पुरुषों द्वारा लक्ष्य देखने के योग्य पुण्य अथवा पापों के फल रूप शरीर आदि चिद संकल्पवश होते हैं। वे भी सर्वसाधारण लोग भी कहीं पर अति उत्कृष्ट पुण्य अथवा पापों से शास्य मतलब शासन योग्य को अचेतन स्वरूप में पड़ा मरा हुआ देखते हैं, रोते हैं और उसके बंधु बांधवों के साथ उसे चित्ता की अग्नि में डालते हैं। मित्र और शत्रु के पृथक पृथक कर्मों से साक्ष्य शासन योग्य एक पुरुष स्नेह संवित रूप जीव
ने यानी मित्र ने प्रयाग आदि क्षेत्र तीर्थ क्षेत्र में जैसी प्रार्थना की है, वैसी स्थित जरा और मृत्यु से रहित अपने को दुख सुख शून्य सुखी जानता है। क्या वह दूसरे शरीर से अपने को जरा मृत्युहीन और सुखी जानता है? इस प्रश्न पर नकारात्मक उत्तर देते हैं वह वर्तमान यथास्थित देह से अपनी जीवितावस्था का अनुभव करता है, तब उसके शत्रु का मनोरथ कैसे सिद्ध होगा? यानी जिसने प्रयाग आदि कामना प्रद प्रदेश में मृत्यु के समय उसके शीघ्र मरण की कामना की थी, उसके संकल्प की सिद्धि कैसी होगी? ये यदि शंका हो तो सुनो, प्रयाग आदि पुण्य तीर्थ में शत्रु की मृत्यु कराने वाले, पुण्य का आचरण करने वाले, शत्रु से जबरदस्ती मरने के लिए प्रेरित होकर वह दूसरे मित्र स्वजन आदि से अदृश्य शरीर से उसी समय में मृत्यु का भी अनुभव करता है। शत्रु द्वारा किए गए अभिचार के तंत्र मंत्र साप आदि द्वारा मारण के प्रतिकार से रहित शास्य की संवित शत्रु की कलुषित संवित को मरण आदि को तुरंत उसी समय जान जाती है। कवच पहने तथा शस्त्रार्थ से सजे हुए शत्रु को कवच न पहने हुए शस्त्र शास्त्र विहित शस्त्रास्त्र विहित विश्वस्त पुरुष के शरीर को बाण तलवार भाले आदि से घायल करने में क्या देर लगती है? उसके सब संबंध बांधव भी उसको वैसे ही अमर देखते हैं। इस तरह जीवन और मरण दोनों उसको एक साथ प्राप्त होते हैं। इसी न्याय से सब विरुद्ध प्रश्नों का समाधान समझना चाहिए। इस आशय से कहते हैं, ये अप्रतिहत रूप से आविर्भूत त्रिलोक के केवल मात्र भ्रम रूप है। भ्रांति में क्या भ्रांति विपरीत नहीं हो सकता? भ्रांति में क्या भ्रांति विपरीत नहीं हो सकता? स्वप्न सन्निपात आदि में लाखों विरुद्ध विरुद्ध बातें एक साथ होती दिखाई देती है। संकल्प नगर और स्वप्न नगर में जो भ्रांति मालूम होती है, जागृत रूप स्वप्न में उसी से अधिक ही ये भ्रांति अनुभूत होती है, उससे कम अनुभूत नहीं होती। धर्म और अधर्म दोनों अमूर्त है, दोनों की मूर्तता कैसे? इस प्रश्न को प्रस्तुत चर्चा के अनुकूल सुधार कर राजा फिर पूछता है, ब्रह्मन्, धर्म और अधर्म ब्रह्म संवित के कारण कैसे होते हैं? अधर्म धर्म दोनों जब अमूर्त हैं, मूर्तिमान नहीं है, तब उसमें से एक अद्वितीय शरीर कैसे बन जाता है? दाता का सत्य संकल्प अमूर्त को भी मूर्तिमान बनाने में समर्थ है। इस आशय से श्री वशिष्ठ जी उत्तर देते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे महामते, ब्रह्म के संकल्प नगर रूप इस जगत में क्या सत्य मतलब संगत नहीं हो सकता, अथवा क्या असंगत नहीं हो सकता? जैसे हम लोगों के संकल्प नगर में ऐसा कोई नहीं है जो संभव न हो सके, वैसे ही इस ब्रह्म के संकल्प नगर रूप त्रिलोकी में कुछ भी असंभव नहीं है, यानी सब कुछ हो सकता है। जैसे स्वप्न नगर और संकल्प नगर में एक ही चित्ती लाखों रूप धारण करती है, वैसे ही जागृत स्वप्न में एक ही चित्ती महासेना के आकार को प्राप्त होती है। जैसे चित्ती जागृत में एक से अनेक रूप होती है, वैसे ही जहाँ पर लाखों एक रूप होते हैं, वह सुषुप्ति भी वही होती है। एक ही चित्ती अनेक रूप होती है और अनेक रूप से एक रूपता को प्राप्त होती है। इस बात को स्वप्न तथा संकल्प में अनुभूत सेना के स्मरण में समूह रूप की एकाकारता में तथा इदम के ये है ये के स्थान में तत्व कल्पना से अन्यथा अनुभव होता है, इत्यादि संकल्प नगर और स्वप्न नगर में किसी को अनुभूत नहीं है। इसलिए इस जगत रूप चिदाकाश संकल्प में क्या संभव नहीं है अथवा क्या संभव है? इस तरह इस प्रकार ये भ्रांति दीप्यमान चिदाकाशमयी प्रतीत होती है। यहाँ पर न कुछ सत है, न असत है, न सत असत है। जिस जिसका जैसे अनुभव होता है वह वैसा ही है। तत्वदर्शी पुरुष को इस विषय में क्या असमंजस है? धर्म और अधर्म का आचरण करने वाले लोगों भी
लोग भी शास्त्र का अभी अर्जित करने अपने अपने निश्चय के अनुसार स्वर्ग को ही प्राप्त करते हैं, ऐसा कहते हैं। वहाँ स्वर्ग में देवताओं के उपभोग तथा अमृतमय जल वाले झरने, तालाब, फल फूल आदि से पूर्ण पर्वत है। यह शास्त्र से आ जानकर उसके अनुसार संकल्प होने पर यहाँ धर्म का अनुष्ठान किया जाता किया जाए तो वहाँ पर पहुँचकर धर्मानुष्ठान करता वैसे पर्वतों को प्राप्त नहीं हुआ, यानी उनको प्राप्त हुए स्वात्मा का अनुभव क्यों नहीं करता है। यदि मिथ्या होने के कारण ये असमंजस है, ऐसी आपकी मति है, तो ये लोक इसमें किया गया धर्मादि का अनुष्ठान उससे परलोक की प्राप्ति और उसमें सुख दुख भोग, ये सारा का सारा जगत असमंजस ही है, ऐसा कहते हैं। इस जगत में जो कार्य किया जाता है उसका कर्म उसका फल भोग परलोक में प्राप्त होता है। इस प्रकार इस संकल्प नगर में सब कुछ ही असमंजस है। यदि जगत में कुछ भी भूत भुवन आदि वस्तु सत्य हो तो उसमें ये विरोध होता है, तब ये असमंजस है। इस प्रकार का न्याय संपूर्ण अकुंठित होता, किंतु सभी ही दृष्टा संवित रूप है, अतः उसका अपना संकल्प ही दृश्य के रूप से स्थित है, वास्तविक नहीं है। चूंकि जगत भी ब्रह्म स्वरूप से स्थित चित्त के संकल्प रूप ही है, अतः इस असमंजसता का परिहार करने वाले न्याय की जो स्वप्न और संकल्प की कल्पनाओं में अनुभव के अनुसार स्थित है, जगतों में भी योजना करनी चाहिए। जैसे तुम्हारे संकल्प नगर में सकल पदार्थों का संभव है ही नहीं, यानी सकल पदार्थों का वहाँ पर संभव है, वैसे ही ब्रह्म के संकल्प रूप जगत में भी किसी पदार्थ का असंभव नहीं है। ब्रह्म के संकल्प में जिस प्रकार कल्पना की, वह जब तक संकल्प रहता है तब तक उस प्रकार के सन्निवेश से युक्त वैसे ही स्वभाव से रहती है। उस प्रकार से सन्निवेश नियम से ही यहाँ ज्ञानेन्द्रियों द्वारा सब वस्तुओं का भली भांति ठीक ठीक अभिसंवाद रूप से दर्शन होता है तथा कर्मेंद्रियों के व्यवहार में संकरता भी नहीं होती। चित्त के पूर्ण प्रयत्न से नियत शरीर संगठन वाला आकार प्रकार वाला पदार्थ चित्त के अन्य प्रयत्न के बिना अन्यथा भी नहीं होता। ब्रह्म के संकल्प में कैसे जगत का भान हुआ वैसे ही वह प्रलय पर्यंत स्थित रहा, फिर प्रलय के बाद अन्य संकल्प के रूप से अन्य ब्रह्मांड प्राप्त होगा। जैसे स्वप्न में स्वप्न नगर का भान होता है, वैसे ही कल्प कल्प में चित्ती रूप चित्ती स्वप्न में संकल्प रूप जगत का प्रत्येक जीव के प्रति भान होता है। राजन, तुम संकल्प नगर रूप इस जगत में जो जो नहीं हो सकता है समझते हो, वह कुछ भी है कुछ नहीं है, यानी सब इसमें सब कुछ का संभव है। वह सब कुछ कल्पना करने वाले इस पर ब्रह्म चिदात्मा से पृथक नहीं है, इसलिए तुम सकल जगत को ब्रह्म ही जानो। 209 सर्ग समाप्त।